हम एक पाव लेने 250 ग्राम पटुआ के साग जरा निक जगह से तोड़ के साग क लेने धो लेने तब अमे हम राखि देवे प्रेशर कुकर में और अमे हम राखि देवे साथ में एक छोटका आम के कच्चा आम के हम छिल के काट लेने और साथ में राखि देवे एक टी स्पून जते नून और कनिशन पानी राख के 2-3 सीटी लगा के हम गैस के बंद कर देवे। तो हम पहले गैस पर चढ़ा दे छी तो हम एक 2-3 सीटी लगा दे छी कुकर में साग के और बाद जैसे से छौंक लेवे हम सब 3-4 सीटी लागल छे तो हम गैस के ऑफ कर देने और जले सीटी निकले से तबे हम आके देखा दे छी कि हम सब मार केना बनेबे। तो एक ग्लास जते हम पानी लऽ लेने छी और एतेक एक चम्मच भर के चावल के आटा जैसे चाउर के आटा ओकरा एकदम निक जगह से पहले मिला लेबे। ई देखिए निक जगह से हम मिला देने चावल के आटा और पानी के और गैस पर हम राख देने से तो एकदम तेज आँच नहीं करबे मध्यम आँच पर लेकिन लगातार एक चलाते हुए बनेबे। पटुआ के साग तो ओहनो बने सादा ओह निक लगे लेकिन मार वाला को ज्यादा निक लगे कहीं उबाल आ जाए तभी तैयार भ जाते मार। हमरा सबके यहाँ डेक्ची में तसला में नहीं बने भात ते दुआरे मार नहीं निकले तो ये आसान उपाय से कि चावल के आटा के एना मिला कर पानी में खदका दिया तो मार भ जाए से। देखियो कदे गेल से और कदे गाढ़ भी भ गेल से मार। अब हम गैस के बंद कर देलो और इस से राय से तब हम साग भी देखा दे छी। देखियो निक जगह से गल गेल से साग और हम कनी कनी साग के और आम के थुर देबे। अगर अहिना छोंक के खाए के छै त एनाते हल्का मिक्स क के कढ़ाई में छोंक लेबे। एकरा तो हम मार वाला बना रहल छी ते दुआरे कनिक थुर देबे निक जगह से तो हम दलघोटनी के प्रयोग से एकरा निक जगह से थुर लेबे। ई देखू ई दलघोटन छै तो जिनका पास पोटैटो मैशर छै ओ यूज कर सकै छथिन ओहो से निक जगह से भ जाइ छै। निक जगह से साग मिल गेल छै देखू एने रहै छै लसगर ई साग। अब हम राख देवे ये मार जे हम बनेने ठंडा हेतै तो कनी और गाढ़ भ जेतै ते दुआरे हम जतेक बनैली हँ उ सब राख देवे कनेक्शन रह गेल से वो राख देवे हम ओहिमे। अब ओहिमे हम छौंक लगा देबै साग में ई पैन गरम भ गेल छै तऽ ओहिमे हम सरसों के तेल राख देवे। तेल गरम हो गल छै तो ये हम 10-12 टा लहसुन के छिलके काट लेने छी छोटे और साथ में राख देबै 1/2 टीस्पून से कनिक्शन ज्यादे जमाइन लेने छी। लहसुन और जमाइन से छोकल साग बहुत स्वादिष्ट लगे छै और ये पटुआ के साग छै में भरपूर मात्रा में आयरन छै और आयरन रहै छै फाइबर तो छै ये साग तो वैसे भी बहुत फायदा करै छै स्वास्थ्य के लिए। और एमे राख देबै हम लाल मिर्च 3-4 टा लाल मिर्च का लके राख देलहुँ पाइके गेल छै ज्यादा नहीं पकेबे और गैस के हम बंद कऽ के एकरा साइड में राख देबै। तब हम एने कंसिस्टेंसी चाहिए साग के देखियो। तो देखू तैयार भ गेल छै खाना तो भात पटुआ के साग छै मारवला ई चोखा और आइ हम करेलो बनेने छी सलाद के साथ। तो आशा छै कि अपने सबके नीक लागल हेतै पटुआ साग के रेसिपी। धन्यवाद प्रणाम।